हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या सभी के साथ कलमिंग का अनदर सॉन्ग। गाने का नाम है रांझना और ऑलरेडी वो जो सॉन्ग रांझना ही नाम है ना, रांझना, यस रांझना फीचरिंग हरदय सरजाई, विंटर मेलेडीज ईपी शायद से उसका पार्ट है ये। एंड अभी इससे पहले जब सब लोगों ने रिएक्ट किया विच वॉज तेरी यादा, विच अगर नहीं सुना तो सुन लेना। इस गाने का रिकमेंडेशन बहुत टाइम से आ रहा था लेकिन यस वी वर बिजी तो अभी हम लोगों ने उस पर रिएक्ट नहीं किया। सो यस फाइनली वी आर रिएक्टिंग। 2 महीने में 917K व्यूज ऑलरेडी ग्रैप कर चुका है। सो लेट्स लिसन टू दिस। थोड़ा लेट हो गया, यस थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया, लेकिन लेट्स लिसन टू दिस। भाई क्या करें, सॉरी मिस कर दिया यार मैंने, क्या करूं। चलो वीडियो देखते हैं। दिस इज अ ऑडियो, ठीक है, तो सिर्फ कवर देखने को मिलेगा, वीडियो नहीं है। लेट्स सी, फील्स लाइक थोड़ा सा प्यार वाली बातें होने वाली हैं, दिल टूटे टाइप की। लेट्स सी। गुलाम रांझा, हो सके तो वापस आ जा, माफ दे दे रांझनो अपने, पहले जैसा कर दूंगा वादा। okay. ये दुनिया दिखावटी थी सच में, हम खा ना सके तेरी झूठी कसमें। हम कितनी दफा ना रोए जाने जा, पर आखिरकार रो ही गए, ओ हो हो रो ही गए, हा 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 रो ही गए, ओहो रो ही गए। सोनिए हीरिए तेरी यादा दा गुलाम, गुलाम रहा या धोखा मैं रात भर आया। अगर तुम्हें नहीं पता है तो हर जैसे इस मामले में बहुत ही क्रेजी, मतलब जनरली ही इज अ वेरी वेरी नाइस लिरिसिस्ट, लेकिन जब ऐसे इमोशंस वाली चीज़ें होती हैं हर जस की डेप्थ अलग होती है बातों में। बात कर लेते भी 1 मिनट तक की, जो भी आया उसमें ऑटो ट्यून सुन के मज़ा नहीं आया, क्योंकि जैसे इन सब लो फाई से मेरे को ऑटो ट्यून पसंद नहीं है। इट शुड बी मोर रॉ, मतलब इट शुड बी मोर मेलोडिक। ऑटो ट्यून कान में चुभता है, पसंद नहीं आता ज़्यादा होता है तो, ठीक है वो चीज़। दूसरा यहाँ पे जो जिस भी तरह की मेलोडी ट्राई करी गई या जिस भी तरीके से उसको गाने का ट्राई किया गया वो उतना ज़्यादा मुझे इफेक्टिव नहीं लगा। अपनी बातें बोली जा रही हैं लेकिन वो मेलोडी साउंड नहीं कर रहा था। ठीक है चलो आगे सुनते हैं हर्ष का क्या रहा है। रहा या धोखा मैं रात भर, गिर गिड़ाया तुझसे रोज मुझसे बात कर, थक हार कर खोली थी किताब पर, तू पढ़ नहीं पाया मुझे अब हिसाब कर। कोई कम नहीं तेरा, तू सनम नहीं मेरा, हाथ फेर कर गई फिर तूने मुंह भी फेरा, उजाला हुआ रात में उलझा सवेरा, मेरा हालांकि घरों में बस तू नहीं था बसेरा। बन जाना छोड़ दिया समझाना, आता दब जाना आता नहीं कम जाना, मैंने आंसू पीने सीख लिए जाने मन, सीख लिया गम खाना। और तुझसे सीखा बिना बोले चले जाना, कहा था ना तूने नहीं आना, और तू नहीं आया। कैसी है ये दूरियां जो हम दोनों को मिली, साथ मेरे तू नहीं है, खाती मुझको रोशनी, मैंने किस्मतों में मेरी तुझको बांध रखा है, मैंने सातों ही जन्म तुझे मांग रखा है, तूने प्यार की लकीरें इस कदर मोड़ दी, तूने जाने को है बोला फिर क्यों बांध रहा है। ओ मेरे ज़िया तेरा यार, ये नहीं अच्छा लग रहा यार मेरे को, इस जगह पे कुछ और करना चाहिए ट्राई। राइटिंग अच्छी है लेकिन ये मेलेडीज़ जो है, मैंने पिछले गाने में बोला था मेलेडीज़ अच्छी यूज़ कर रहा है लेकिन वो फास्ट बीट्स पे है जहाँ पे उतनी देर तक ये सब करना नहीं पड़ता। ठीक है इतना ज़्यादा ऑटो ट्यून लगाना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा ये स्केल सूटेबल है कि नहीं आई डोंट नो, और इतनी देर तक वो नहीं अच्छा लगा भाई, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मेरे को। कोई कम नहीं तेरा, तू सनम नहीं मेरा, हाथ फेर कर गई फिर तूने मुंह भी फेरा, उजाला हुआ रात में उलझा सवेरा, मेरा हालांकों घरों में बस तू नहीं था बसेरा, बना बन जाना छोड़ दिया समझाना, आता दब जाना आता नहीं कम जाना, मैंने आंसू पीने सीख लिए जाने मन, सीख लिया गम खाना, और तुझसे सीखा बिना बोले चले जाना, कहा था ना तूने नहीं आना, और तू नहीं आया, और तू नहीं आया, और तू नहीं आया। तेरी मेहरबानी
कुछ इस कदर निभाएंगे जिस राह पे गए हो तुम, हम कभी न जाएंगे दिलदार मेरे रख ले तू थोड़ा सा ख्याल मेरी जान, देखना है क्या तेरे रांझे का हाल, रांझे का हाल तेरे रांझे का हाल। कतई कतई भोजपुरी टाइप का फील दे रहा है, जैसे भोजपुरी में नहीं ऑटोट्यून एकदम अखंड यूज करते हैं, पता नहीं मेरे को वैसा ही उतना ज्यादा ऑटोट्यून फील दे रहा है ये। रांझे का हाल तेरे रांझे का हाल। भाई इसको इतना ही रखते हैं स्टूडियो और जनरा लाइक, देन बाद में इसको पॉप ओपी टेढ़ा डाल देंगे, अभी ऐसे फ्री वर्स रहने देते हैं लाइक, एक वो रॉनेस रहती है तब तक गाने में तब तक अच्छा लगता है, तो या कभी निकालेंगे इसको तब तक के लिए। ओके तेरी ठीक है एक सेकेंड ठीक है, तो फिर आलू को जाएगी आगे। हाँ देखो आई थिंक आफ्टर दिस ऑडियो मे बी एक थॉट आई थिंक और लोग के तरफ से शायद से कलम के पास जाए भी, आई डोंट नो। ये हरजस क्योंकि ये तो वेरी गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर, उसने इस पे ये इनपुट दिया कि नहीं दिया होगा या फिर इनको ठीक लगा रहा होगा, लेकिन मेरे को नहीं पसंद आ रहा भाई वो जो ईश इतना ज्यादा चुभ रहा था भाई वो ऑटोट्यून। कलम इक इज अ वेरी नाइस राइटर है ना, कलम इंक की बातें इस मामले में तो बहुत अच्छी होती हैं इन सब इमोशंस में, तो कलम इंक ने कुछ ज्यादा लिखा नहीं, दैट वाज आल्सो बिट सरप्राइजिंग। आई वोंट से कि पसंद भी आया, एवरेज नहीं मेरे को नहीं पसंद आया मेरे को। और दूसरी चीज की गाना 4 मिनट लंबा है जिसमें से हरजस का सिर्फ एक वर्स आता है जिसमें उसने कुछ लिखा है, अदरवाइज सेकंड बाद में जाके वापस से वही रिपीट होता है, तो 4 मिनट 20 सेकंड इज टू लॉन्ग आई गेस। ऑटो ट्यून वॉज नॉट वेरी गुड एंड कलम की बार्स नहीं थी, ये 2-3 चीज़ें मेरे को लग रहा है कि इम्प्रूव हो सकती है इस गाने में, लेट्स सी कि इम्प्रूव होती कि नहीं होती, बट तुम बताना तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा। यू नो आई लाइक कलमिंग, मतलब मैं बहुत मुझे बहुत पसंद है कलमिंग, लेकिन इसमें उतना मज़ा आया नहीं मेरे को। ठीक है चलो फिर बताना इस वीडियो का कमेंट बताना जरूर कि भाई तुम्हें क्या फील दे रहा है। ठीक है तो फिर नई वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, कमेंट कर दो, सजेशन दे दो, एंड तब तक के लिए ध्यान रखो, टेक केयर, सी यू, बाय, पीस।